भाई लोग कैसे हो। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं विजय मार सर की न्यू कंसेप्ट फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस वाली एडिटिंग में आप सभी लोग कुछ नया सीखने वाले हो। सो गाइस जैसे कि आप लोग को इस तरीके से मैंने एक आप सभी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करके तैयार कर रखा है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने भी एक मॉडल लेकर आप सभी के लिए तैयार कर रखा है। सो गाइस आप सभी को इस तरीके से एक पोज मार लेना है, आप बैकग्राउंड इरेज कर लीजिएगा। ओके सो गाइस इस वाली पोज को नहीं मार सकते हो तो सेकंड वाली पोज आप ट्राई कर सकते हो। सो गाइस ये वाली पोज आप ट्राई कर सकते हो। सो दोनों की दोनों पोज बहुत ही बेहतरीन पोज है, आप सभी लोग इस वाली पोज को ट्राई कर सकते हो। सो इस पोज को ट्राई करने के बाद आप सभी को क्या करना है, आपको जल्दी से कर देना है सब्सक्राइब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइस आप सभी के पास नोटिफिकेशन जा पाई। सो गाइस सिंपली मैंने बैकग्राउंड को कैसे तैयार कर रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली मैंने स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन कर लिया और विजय मैंने पोस्ट की मैंने बैकग्राउंड को तैयार करने के लिए आप लोगों के सामने तैयार करने वाला हूँ मैं बैकग्राउंड। और सिंपली मैंने पेंसिल वाला आइकन में क्लिक किया, हीलिंग ऑप्शन मिलेगा स्नैपसीड में। सो गाइस स्नैपसीड एप्लीकेशन बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, आप सभी जाके यूट्यूब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस सिंपली आप लोग एक रेड की एक सर्कल इस तरीके से बना लेना है और उसके बाद आपकी बैकग्राउंड इरेज हो जाएगी। सो गाइस इस तरीके से आप लोग की बैकग्राउंड आप लोग की इरेज मैंने कर लिया था और आप सभी के लिए एक बैकग्राउंड तैयार कर लिया था। और उसके बाद सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड आइकन मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलेगा, आप सभी यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग के पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ जाएगा और आप लोग को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप सब लोग जाकर देख सकते हो कि बैकग्राउंड को कैसे इरेज करते हैं। सो गाइस सिंपली आप लोग के मॉडल की पीएनजी बनाकर मैंने तैयार कर लिया है पहले से, बैकग्राउंड इरेज करके आप सभी के लिए तैयार कर रखा है, आप सभी जाकर वीडियो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस सिंपली इसी तरीके से आप लोग को एडजस्ट करके रख लेना है जैसे कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। सो गाइस एडजस्ट करने के बाद सिंपली आप लोग को क्या करना है, यहाँ से इरेजर ऑप्शन मिलेगा, इरेजर ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग का हार्डनेस को 12% रखिएगा और उसके बाद आप लोग को पेयर के पास कुछ इस तरीके से आप लोग को इरेज करना है जैसे कि मैं इरेज कर लूँ, जैसे कि आप लोग की परफेक्टली इरेजिंग हो जाएगी। सो गाइस बिल्कुल सेम टू सेम आप लोग इरेजिंग करेंगे तो आप लोग की कोई भी नहीं जान पाएगा कि आप लोग एडिट कर रहे हो। और इसी तरीके से आप लोग को जो पहले से बैकग्राउंड को मैंने तैयार कर रखा था आप लोग को डाउनलोड कर लेना है डिसीजन से, और उसके बाद फिर से आप लोग को बैकग्राउंड को ले आना है। और जैसे कि मैं रख रहा हूँ बैकग्राउंड को आप सब को ऐसे ही रखना है। उसके बाद कैपेसिटी को आप लोग को लो करना है कुछ इस तरीके से, आप लोग को बैकग्राउंड को पीछे के इल्यूजन दिख जाएगा। और सिंपली आप लोग को पीछे से दिखने के बाद सिंपली आप लोग को कैपेसिटी को कुछ इतना रखना है, इन्वर्ट कर लेना है और इसके बाद आप लोग को यहाँ से ऐड करना है जैसे कि ग्रास को, और जैसे कि ग्रास आपके ऊपर भी आए हुए इसी तरीके से इल्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ओके जैसे कि आप लोग रियलिस्टिक लुक में आप लोग यहीं पर हो। सो गाइस बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग की यहाँ से एडिटिंग हो जाएगी। और यहाँ से मैं हार्डनेस को लो करता हूँ थोड़ा सा और यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, और आप लोग देख सकते हो आप लोग भी एडजस्ट कर से इसी तरीके से कर सकते हो। सो गाइस मैं यहाँ से कैपेसिटी ऑप्शन को आप लोग को इंक्रीज कर सकते हो। सो गाइस सिंपली यहाँ से हो जाने के बाद सिंपली फोटो को कर लेना है डाउनलोड पिक्सआर्ट से, और उसके बाद आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाना है। लाइटरूम में आने के बाद आप लोग को सिलेक्टिव को चूज़ करना है, और इसी सिलेक्टिव को चूज़ करने के बाद सिंपली आप लोग क्या करना है, फोटो को जूम कर लेना है। फोटो को हमारे बैकग्राउंड पहले से ही बीएमआर ने तैयार कर रखा है और उसके लिए हम लोग क्या बैकग्राउंड से मैच करना है मॉडल को। मान के चलो आप लोग हो मॉडल और आप लोग को आपकी बैकग्राउंड से मैच करना है। सो ये सिंपली सिलेक्टिव ऑन कीजिए, ब्रश को अपनी बॉडी पर फैला दीजिए और उसके बाद आप लोग को एक टेम्परेचर वाला आइकन मिलेगा, उस आइकन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप लोग को सैचुरेशन को डिक्रीज करना है। और जैसे कि मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, देखिए बैकग्राउंड से ये मैच कर जाएगी और बहुत ही शानदार सी लुक लगेगी। और जैसे कि विजय मार सर ने एडिट कर रखा था, सो गाइस हम सिंपली उसी तरीके से बेहतरीन तरीके से हम लोग एडिटिंग कर चुके हैं। और गाइस ये वाली वीडियो आप लोग कैसी लगी आप लोग कमेंट में बता सकते हो। सो गाइस ये शानदार सी ये वाली वीडियो है और ये वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि किसी तरीके से हम लोग एडिटिंग कर चुके हैं। और ये वाली वीडियो में आप लोग को देख सकते हो कि हमारे बैकग्राउंड से ये वाली मॉडल मैच कर गई है। सो गाइस आप लोग भी इसी तरीके से पोज मारोगे तो आप लोग की मॉडल भी इसी तरीके से क्रिएट हो जाएगी और आप लोग के बैकग्राउंड से मैच कर जाएगी। या बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग की एडिटिंग हो चुकी है। सो गाइस थोड़ा थोड़ा सा टेक्सचर आप लोग को ऑन कर लीजिएगा और क्लैरिटी वगैरह आप लोग को ऑन करना है और हल्का हल्का सा आप लोग को डीएज को आप लोग को गिरा कर देखना है। ओके सो गाइस यहाँ से आप लोग को एडिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है, अब यहाँ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैकग्राउंड से यहाँ से मैच कर गई है मॉडल।
और सिंपली हम लोग को बैकग्राउंड से ही मॉडल को मैच करना था, तो सिंपली मैंने सिलेक्टिव का यूज़ करके बैकग्राउंड से मैच कर दिया। कैसी वीडियो कैसी लगी आप लोग जैसे जो कमेंट में बताएं, और गाइस जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, और आपकी लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।